नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। आप देख रहे हैं सात का समीकरण। खबरों की शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे से। आज उत्तराखंड में तीन दिवसीय दौरे पर आज से पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और अपने दौरे के पहले दिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पौड़ी जिले में अपने पैतृक गाँव पंचूर जाकर अपनी माँ से मुलाकात की। उन्होंने अपनी माँ से मुलाकात की और कैमरों से बेतूर ही इस मुलाकात को उन्होंने रखा है। अपने पैतृक गांव पंचूर पहुंचे सीएम योगी ने अपनी मां के अलावा दोनों बहनों और परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। इससे पहले सीएम योगी ने गुरु गोरखनाथ डिग्री कॉलेज में अपने गुरु अवैधनाथ की प्रतिमा का भी अनावरण किया है। तो अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अभी तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीरें दौरे की। उत्तराखंड का ये तीन दिवसीय दौरा है, शुरुआत जब हुई और इस वक्त परिवार के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। मां से मुलाकात की है, परिवार के अन्य लोगों से मुलाकात की। पहली तस्वीर में आप देखेंगे जब वे अपने गांव के लिए आए तो किस तरह से उनका काफिला आया, और जब वे अपने गांव के लिए मुड़े तो उसके बाद इस रोड को ही सील कर दिया गया है। सीएम इस वक्त परिवार के साथ हैं। इससे पहले उन्होंने महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया था। सीएम उत्तराखंड के वे भी मौजूद और इस पूरे काफिले में वे उनके साथ मौजूद ही रहे। और उसके बाद की तस्वीर आप देखिए जब गाड़ियों का काफिला छोड़ पैदल ही अपने घर के लिए सीएम रवाना हुए। उनके साथ सिक्योरिटी और तमाम और भी नेता मौजूद थे। सीएम उत्तराखंड के वे भी उनके साथ मौजूद रहे। मां से मिलने के लिए अपने पैतृक गांव पहुंचे। मौका खास है, 5 साल के बाद परिवार से मां से सीएम योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो रही है, जहाँ कल और परसों कई कार्यक्रमों में उन्हें सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्त रहना है, लेकिन आज की जो शाम है वो अपने परिवार के साथ सीएम बिताने वाले हैं। अपने आवास पर, अपने घर पर ही वे विश्राम करेंगे, परिवार के लोगों के साथ मौजूद रहेंगे। और सीएम योगी आज दोपहर उत्तराखंड आए और उस दौरान से लेकर अब तक की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम का 3 दिवसीय ये दौरा है। पौड़ी में पंचूर गाँव है जहाँ पर सीएम योगी का परिवार रहता है। उनकी बहनें, भाई, माता इसी आवास पर रहते हैं और आज सीएम वहीं पर ही आज की रात बिताने वाले हैं। जब सीएम का काफिला अपने गांव के लिए आया उस दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम धामी, सीएम योगी साथ मौजूद थे और उसके बाद इस रोड को सील कर दिया गया है जो उनके गांव की ओर निकलती है। और जब सीएम योगी ने महंत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण किया उस दौरान की तस्वीर भी आपके सामने। और इस दौरान कार्यक्रम में संबोधित करते हुए सीएम भावुक भी हो गए। और ये अब जो तस्वीर आपके सामने है, जब सीएम काफिले की गाड़ियों को पीछे छोड़ वे खुद पैदल ही अपने आवास के लिए निकले। पहाड़ी रास्ता ये है और यहाँ गाड़ियों के जाने की संभावना कम है, ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ पैदल ही इस रास्ते से निकले। और आप देख सकते हैं कि उनके साथ कई लोग मौजूद हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी भी उनके साथ मौजूद रहे, पैतृक अपने गांव पहुंचे हैं पंचूर। और सीएम धामी इस दौरान साथ में आप देख सकते हैं भगवा वस्त्र धारण किए सीएम योगी आगे चल रहे हैं। साथ में उनके साथ कई और लोग, सिक्योरिटी भी उनके साथ मौजूद है। परिवार के लोगों से आज एबीपी गंगा ने सुबह जब बात की तो खूब उत्साह था और इंतजार था सीएम योगी आदित्यनाथ का। 5 साल बाद वे घर आ रहे थे। और पिथ्याड़ी गांव में इस वक्त हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी वहीं मौजूद हैं। सीधा उन्हीं का रुख करेंगे और जानकारी उनसे लेंगे। वीरेश जी, पहले बताएं कि मुलाकात इस वक्त परिवार के लोगों से हो रही है, क्या कुछ ताजा जानकारी वहां से? देखिए अनु, आपने पूछा कि ताज़ा जानकारी दे दें, परिवार से मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं कहाँ खड़ा हूँ दर्शक ये भी देख लें। और वो जो बत्तियाँ जल रही हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, उनका परिवार है, उनकी माँ है, उनकी बहन है, पूरा कुटुंब है वहाँ पर। और कितने दूर पर हमें रोक दिया गया है, लगभग पहाड़ में हम ये कहें तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का फासला होगा। और यूं तो 1 किलोमीटर हम जरूर कह रहे हैं, लेकिन जब घूम कर जाएंगे तो ये 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी होगी। उत्तराखंड की पुलिस ने हमें रोक दिया है, हमें ही नहीं मीडिया के सभी साथियों को रोक दिया है। और सभी साथी लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी से रिपोर्ट कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, क्या बात हो रही है, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं। निश्चित रूप से हम लोगों के सोर्सेज भी होते हैं, सोर्सेज के आधार पर मैं कहूँ तो वो पहाड़ी
व्यंजन पसंद करते हैं और पहाड़ी व्यंजन बना है। मैं एक बार फिर अनु अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो तस्वीर दिखाएं जो बिजली चमक रही है वहां पर। ये जो चमक है निश्चित रूप से यहां पर हर तरफ दिखाई दे रहा है, हर तरफ यानी लोगों के चेहरे पर यह चमक दिखाई दे रही है। वहां टेंट भी लगा है, वहां पर सामियाना भी लगा है, वहां पर कुर्सियां भी लगी हैं, वहां पर कूलर भी लगा है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हैं क्योंकि सिक्योरिटी के लिहाज से अति सुरक्षित प्राइवेट प्रोग्राम होने की वजह से आरक्षित है, आरक्षित है परिजनों के लिए, आरक्षित है अपनी माँ के लिए, आरक्षित है अपनी बहन अपने भांजे भांजियों के लिए और भतीजे भतीजियों के लिए, भाइयों के लिए, क्योंकि ये अवसर मुख्यमंत्री 2017 में बनने के बाद से कभी आया नहीं था। ये विशेष दिन है परिजनों के लिए, ये विशेष दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए। यूं तो प्रशासनिक काम वो रोज करते हैं 24 घंटा, और कहा जाता है कि 2-3 घंटे वो सोते हैं, बाकी वो प्रशासनिक काम करते हैं, और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा प्रदेश उनका घर है, उनका परिवार है, उनके लोग हैं, और माताएं बहनें उनकी सुरक्षा उनका कर्तव्य है क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो बहुत अकाट्य होते हैं, और वो रिश्ता जो उनके साथ जन्म से जुड़ा हुआ है, उनके साथ उनका मिलन हो रहा है, उनका बहुत दिनों के बाद अपनी माँ से वो मिलने आए हैं। पिता पिछले अप्रैल में कोरोना काल में समा गए, तो ऐसे में वो आ नहीं पाए थे, लोग इंतज़ार कर रहे थे, हेलीपैड भी बनाकर यहाँ लोगों ने रखा था कि वो आएंगे अपने पिता का अंतिम दर्शन करेंगे, लेकिन वो दर्शन वो नहीं पा पाए क्योंकि कोरोना काल में, जैसा कि मैंने कहा कि यूपी के वो मुखिया हैं, पूरा प्रदेश उनका घर है, परिवार है, इसलिए उस कोरोना काल में अपने परिवार के यानी उत्तर प्रदेश के लोगों को वो छोड़कर नहीं आ सकते थे अपने लौकिक पिता को देखने, क्योंकि आध्यात्मिक हो चुके हैं, वो महंत हैं, वो योगी हैं, वो मठाधीश हैं, वो पीठाधीश्वर हैं, वो रक्षपीठ के और साथ ही साथ नाथ पंथ के सबसे बड़े महंत हैं, और ऐसे में उनका लौकिक जीवन से कोई वास्ता नहीं है। लेकिन लौकिक जीवन में लौकिक जो प्राणी हैं उत्तर प्रदेश के, उनके वो अभिभावक भी हैं क्योंकि वो सूबे के मुखिया हैं, लोकतंत्र में चुनाव जीते हैं, दूसरी बार चुनाव जीते हैं, और ऐसे में ये जो गांव में की तस्वीरें हैं वो मैं इसलिए बयां कर पा रहा हूं कि दोपहर में मुझे जाने का अवसर प्राप्त हुआ था जब मुख्यमंत्री अंकेश्वर में लैंड नहीं किए थे, उससे पहले 12 बजे के करीब मैं उनके घर गया था, उनके भाइयों से मुलाकात की थी और उस सामियाने को देखा था, वो सजावट को देखा था, उन बल्ब और तमाम तरह के जो वहाँ के मिठाइयाँ हैं, पकवान हैं, उसे देखा था, इस लिहाज पर मैं ये बयां कर रहा हूँ। और एक ख़ास बात आपको बताऊँ कि उनके परिजनों का कहना था कि फाड़ू और बाड़ी एक साथ खाया जाता है, वो मुख्यमंत्री को बहुत पसंद है, तो वो फाड़ू और बाड़ी भी खाएंगे। अरसा एक मिठाई होती है, गुड़ और चावल से बनता है, और जब आप पहाड़ में आएंगी तो बहुत ही कम दुकानों पे मिलता है, लेकिन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। जो हमारे पहाड़ी मित्र हैं, जो पत्रकार भी हैं, उन्होंने भी बताया था कि वो अरसा बहुत कम दुकानों पे बनता है, लेकिन बहुत ही स्पेशल डिश होता है और मिठाई होती है, वो अरसा बहुत पसंद है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। और फाड़ू और बाड़ी ये इडली के तरह होता है, उसे जो मंडुआ का बनाया जाता है, मंडुआ में उसको बनाकर उसका एक गोला बनाया जाता है जैसे इडली के समान, और उसे डुबो डुबो के खाया जाता है। और जो यहाँ पहाड़ी मित्र कैसी तैयारी और कैसा माहौल इस वक्त उनके घर पर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए वीरेश जी आपका। और चलिए पढ़ेंगे आगे। ईद के मौके पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी अध्यक्ष शिवपाल यादव ने एक तरफ ईद की बधाई दी तो दूसरी तरफ साफ शब्दों में जता दिया कि वो अपने भतीजे अखिलेश यादव से बेहद नाराज हैं, और अपनी इस नाराजगी को शिवपाल यादव ने अपने आज के ट्वीट में खुले तौर पर जाहिर कर दिया। शिवपाल यादव ने ईद के मौके पर अपने ट्वीट में लिखा, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया, इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं
तो किस स्तर पर उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। शिवपाल यादव के इस ट्वीट के बाद उनकी पार्टी के नेता दीपक मिश्रा ने भी शिवपाल की नाराजगी को जताया जायज बताया है और कहा है कि सपा की नई पीढ़ी के सभी नेताओं को शिवपाल यादव ने ही स्थापित किया। जबकि शिवपाल के इन ट्वीट पर भाजपा ने भी अखिलेश यादव पर निशाना साधा। अब देखिए, शिवपाल सिंह जी ने न सिर्फ अपनी अपितु अपने साथ समाजवादी आंदोलन के सुर्ख परचम को उत्तर प्रदेश में फहराने वाले सभी नायकों कार्यकर्ताओं के दर्द को अभिव्यक्ति दी है। बार बार समाजवादी विचारधारा और तदनुसार समाजवादी पार्टी को मजबूत करने वाले नेताओं को अपमानित किया जा रहा है। शिवपाल सिंह जी ने इसी अपमान, इसी अवमान के दर्द और दंश को स्वर दिया है। यह बात सिर्फ शिवपाल सिंह जी की नहीं है, यह बात सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं और नेताओं की है। मुझे लगता है कि आज के शुभ अवसर पर इस तरह का ट्वीट मानसिकता को दर्शा रहा है कि किस स्तर में शिवपाल और अखिलेश के संबंध पहुंच गए और पार्टी के अंदर क्या चल रहा है। ये तमाम चीजें समाज के सामने जनता जनार्दन है। लगातार उसने अपने निर्णय सुनाए हैं, अखिलेश को दरकिनार किया है, चाहे 14 हो, चाहे 17 हो, चाहे 19 हो, चाहे 22 हो, और आगामी 24 के चुनाव में भी मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाएगी। वहीं से ईद के मौके पर आज सपा विधायक आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम ने भी ट्वीट कर तंज कसा है। अपने पिता आजम खां के हवाले से किए गए एक ट्वीट में अब्दुल्ला आजम ने लोगों को ईद की बधाई देते हुए किसी का जिक्र तो नहीं किया, लेकिन शायराना अंदाज में अब्दुल्ला आजम ने जो ट्वीट किया है उससे साफ है कि अब्दुल्ला आजम अपने परिवार का साथ ना निभाने के लिए किस पर निशाना साध रहे हैं। अब्दुल्ला आजम ने अपने ट्वीट में लिखा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू भी बहा के मुझे ले जाए ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। ईद मुबारक आपका और सिर्फ आपका, मोहम्मद आजम खां। लेकिन ईद के मौके पर अब्दुल्ला आजम खां के इस ट्वीट ने एक बार फिर से साफ कर दिया है कि समाजवादी पार्टी में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जेल में बंद आजम खां को जिस तरह से अखिलेश यादव ने दरकिनार किया है उससे कहीं ना कहीं आजम परिवार बेहद नाराज है। ईद के मौके पर यूपी की सियासत में आज दो ट्वीट को लेकर बहुत चर्चा है। एक ट्वीट तो शिवपाल यादव ने किया तो दूसरा ट्वीट आजम खां के। आज पूरे उत्तर प्रदेश में शांतिपूर्ण माहौल में ईद का त्योहार मनाया गया। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक प्रदेश के तमाम जिलों में सुबह लोगों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईद की नमाज अदा की और लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद उल फितर का त्योहार भी मनाया। दरअसल आज ईद के साथ साथ परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का त्योहार भी मनाया जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना पर लगाम लगाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए थे, जिसका असर भी देखने को मिला। लोगों ने मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर नमाज पढ़ी। ये छह तस्वीरें हम आपको छह जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कानपुर की है, इसके अलावा अयोध्या, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़ की, इसके अलावा तमाम और जिलों की। शांति और सौहार्द के माहौल में लोगों ने किस तरह से ईद का त्योहार मनाया है ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक ही दिन ईद, अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती एक साथ होने के बावजूद शासन की मुस्तैदी की वजह से प्रदेश में कहीं से भी किसी भी तरह की अप्रिय घटना की कोई जानकारी नहीं मिली, जिसके बाद एबीपी गंगा ने यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से बातचीत की। इस खास बातचीत में उन्होंने क्या कहा सुनिए। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार जी हमारे साथ हैं। सर, दो साल बाद कोरोना के, अलविदा की नमाज हुई, फिर ईद की नमाज हुई, क्या चुनौतियां थी? अगर सबके साथ संवाद हो और संवाद से ही हम लोग समाधान निकालते हैं और सबकी मनसा साफ हो तो चीज़ें बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होती हैं।
और ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता ने। एबीपी गंगा पर सीएम योगी के घर की पहली तस्वीर पंचूर गांव से आपको एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां अपनी मां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। तस्वीर जहां एबीपी गंगा ने सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। और ये देखिए, ये वो एक्सक्लूसिव तस्वीर है, सीएम योगी आदित्यनाथ जब अपने घर पर पहुंचे, अपनी मां सावित्री से मुलाकात की है एबीपी गंगा पर। ये घर के अंदर की तस्वीर, जब सीएम आए और परिवार के लोगों ने कैसे उनका स्वागत किया है, कैसे आवभगत की है और किस तरह से पहाड़ी व्यंजन उनके सामने परोसे गए हैं, ये तस्वीर आप देखिए। जहां दूर से जो सीएम योगी का जो घर था वो किस तरह से जगमगाया हुआ था वो दिखाया, लेकिन अब ये तस्वीर घर के अंदर की, जहां पर सीएम योगी का स्वागत हुआ परिवार के लोगों के द्वारा और पहाड़ी व्यंजन खास तौर पर उनके आगमन पर बनाए गए, और उस दौरान की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये पंचूर गांव है पौड़ी का, जहां सीएम का आवास है, परिवार के लोग सीएम के रहते हैं, मां सावित्री से उन्होंने मुलाकात की है, उनके बहन भाई भी आज उनके स्वागत के लिए यहीं पर मौजूद हैं। और आप देखिए सबसे बड़ी तस्वीर आज की, जहां मां के साथ आज की शाम बितानी है, परिवार के लोगों के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ है। एबीपी गंगा पर ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मीडिया के कैमरों से दूरी बनाई गई, लेकिन एबीपी गंगा के पास ये तस्वीर सीएम योगी की परिवार के साथ जो क्षण बिताए जा रहे हैं उनकी ये तस्वीरें हैं। पहाड़ी व्यंजनों का जायका लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ व्यंजनों का लुत्फ उठाया जा रहा है। खास है क्योंकि 5 साल बाद ये मुलाकात परिवार के लोगों से हो रही है। कई सरकारी कार्यक्रम हैं जिनमें शामिल होना है, लेकिन कुछ वक्त परिवार के लिए निकाला गया है इस दौरे में। 3 दिवसीय ये दौरा है उत्तराखंड का, जहां अपनी जन्मभूमि पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद है और पंचूर में उनका गाँव है जहाँ इस वक्त वे मौजूद है और परिवार के सदस्यों के साथ ये वक्त बिताया जा रहा है। उसकी सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है, जहां मीडिया के कैमरों को अंदर जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन एबीपी गंगा ये तस्वीरें आपके लिए लेकर आया है खास तौर पर। ये बेहद छोटी सी एक वीडियो क्लिप है, लेकिन आप देख सकते हैं परिवार के लोगों के साथ वे कैसे बैठे हैं, वहां खास पहाड़ी व्यंजन का लुत्फ उठाया जा रहा है। और जब सुबह एबीपी गंगा का कैमरा पहुंच रहा था परिवार के लोगों से बात करने, तो उन्होंने बताया था कि किस तरह से सीएम योगी को बहुत पसंद है पहाड़ी व्यंजन और वे खूब इसका लुत्फ उठाकर इन्हें खाया करते थे, और आज जब वे इतने समय के बाद घर पर आ रहे हैं तो खास तौर पर विशेष तौर पर जो व्यंजन उन्हें पसंद है वो उनके लिए बनाए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि सोफे पर बैठे सीएम योगी वहां मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं, व्यंजन उन्हें परोसे जा रहे हैं। और आज का जो वक्त है, जो शाम है, ये आज घर पर ही बिताई जाएगी। बहने हैं, भाई हैं, सभी उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। जहां घर को सजाया गया है, खूब वहां लाइटें लगाई गई हैं, बेहद भव्य तरीके से उनका स्वागत यहां हुआ है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा आपके लिए लेकर आया है परिवार के सदस्यों के साथ, जब ये निजी समय बिताया जा रहा है उस दौरान की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ आसपास अपने परिवार के लोगों के साथ बैठे हैं। एक छोटा सा क्लिप है, एबीपी गंगा खास तौर पर ये तस्वीरें अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है, क्योंकि मीडिया को एंट्री नहीं है, क्योंकि इस पल को बेहद खास और निजी रखा गया है सीएम के द्वारा। लेकिन ये तस्वीर इस वक्त आपके सामने, अपनी मां और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मुख्यमंत्री घर पर अपने मौजूद हैं, पंचूर गांव पौड़ी में हैं उत्तराखंड के, यहां सीएम आज ये रात बिताने वाले हैं। और आज अभी से लेकर कल सुबह तक का पूरा समय परिवार के सदस्यों के साथ ही रहा जाएगा। और इससे पहले जिस कार्यक्रम में सीएम पहुंचे थे वहां भी अपनी पुरानी यादों को लेकर वे भावुक हो गए थे, अपने पठन पाठन का समय सोचकर वे भावुक हो गए, अपने गुरु को याद कर वे भावुक हो गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस भाव के साथ इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ अपने परिवार से मुलाकात कर रहे होंगे। और उस बीच की ये तस्वीर एबीपी गंगा एक्सक्लूसिवली आपके सामने रख रहा है। मां सावित्री से मुलाकात हुई, जहां परिवार के लोगों से जब एबीपी गंगा ने आज बात की तो उन्होंने बताया कि बहुत कठिन वक्त भी इन 5 सालों में उन्होंने देखा है, जहाँ कोरोना काल में सीएम योगी के पिता का निधन हो गया था, स्वर्गवास हो गया था और वे आ नहीं पाए थे कोरोना की वजह से। और ऐसे में आज ये जो मुलाकात है ये बेहद खास है, और ये तस्वीर आपके सामने है एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा के पास। ये तस्वीर है सीएम योगी आदित्यनाथ के घर की, जो पंचूर में उनका गांव है, जहां उनकी मां रहती है, उनके भाई बहन रहते हैं।
और पूरा एक बड़ा परिवार है वो यहीं पर ही रहता है और यही वो आवास है जहां पर अपना बचपन सीएम योगी ने बिताया है। ऐसे में ये जो क्षण है उनके लिए ये बेहद खास है और इन्हीं के बीच की ये तस्वीर इस वक्त एक्सक्लूसिवली एबीपी गंगा पर परिवार के बाकी सदस्यों से भी सीएम ने मुलाकात की है, व्यंजनों का लुत्फ उठाया है और आप देख सकते हैं कि सोफे पर सीएम बैठे हैं, उन्हें खाना परोसा जा रहा है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त एबीपी गंगा जहां ईद से पहले ही शासन ने लोगों से अपील की थी कि वे सड़क पर नमाज पढ़ने की बजाय ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा करें और प्रदेश में इसका असर भी देखने को मिला है। लेकिन ईद के मौके पर कानपुर में प्रशासन की गाइडलाइंस को दरकिनार करते हुए बेना छापर रोड पर हजारों लोगों ने मुख्य सड़क को जाम करके नमाज अदा की, जिसका विरोध करते हुए बजरंग दल के कानपुर कमिश्नर से सड़क रोक कर नमाज पढ़ने वाले लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई। बजरंग दल कार्यकर्ताओं का कहना है कि जब सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं थी तो आखिर क्यों कानपुर की सड़क पर नमाज हुई, जिससे लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये वो शिकायत है जो दी गई है, कानपुर की ये तस्वीर है जहां सड़क पर नमाज अदा की गई। ये बेना छापर रोड की तस्वीर है जहां बजरंग दल ने अब इसका विरोध करते हुए कानपुर पुलिस से इस मामले में कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि जब पहले से ही आदेश थे कि सड़कों पर नमाज अदा नहीं की जाएगी तो आखिर क्यों किसकी परमिशन से ये नमाज अदा की गई है, ऐसे में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इतनी सख्ती के बावजूद जहां प्रदेश में ना के बराबर कहीं पर ये नमाज हुई है, वहां पर कानपुर पुलिस कमिश्नरेट में दो जगह हैं जिस तरीके से इन लोगों ने सड़क को जाम करके यातायात को प्रभावित करके और सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण और कब्जा करके जो नमाज पढ़ी है उसके खिलाफ हम यहां पर आए हुए हैं और माननीय पुलिस कमिश्नर साहब से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि ये सबको जो नमाज पढ़ना है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ कार्रवाई उन मुल्ला उन मौलवियों पर भी होनी चाहिए, उन शहर काजियों पर भी होनी चाहिए जो मदरसों के अंदर बैठकर जो मस्जिदों के अंदर बैठकर ये योजनाएं बनाते हैं।